लेकिन शॉर्टिंग में कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शॉर्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा जो आपके सामने दिख रहा है, इस डेटा को शॉर्ट करने के लिए मुझे क्या डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है? जी हाँ, डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है, लेकिन कब? जब आपके डेटा में बिल्कुल एक ब्लैंक रो है। तो अगर पूरी की पूरी रो एक ब्लैंक है तो आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका ब्लैंक रो नहीं है तो डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक शॉर्ट कर देगा। अब अगर मान लीजिए किसी एक के बिहाफ पे शॉर्ट करना है, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं टीए लेआउट के जो है हमारा टीपी लेआउट जो है उसके अकॉर्डिंग में शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट इसके ऊपर आप कर्सर रखें और चले जाए शॉर्ट एंड फिल्टर में, शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका असेंडिंग, और जेड टू ए पे क्लिक करें तो आपका डिसेंडिंग आपका शॉर्ट हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन सिलेक्शन नहीं, सिर्फ इस पे कर्सर रखना है। लेकिन मुझे इसके हिसाब से नहीं, मान लीजिए मुझे इसे शॉर्ट करना है डेट वाइज, और इस डेट के अंदर जो हमारे कस्टमर कोड है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं डीपीएल के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। मतलब कि मैं शॉर्ट जो करना चाहता हूँ वो मेरे हिसाब से भाई वन बाय वन, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, इस तरह से वन बाय वन करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा ये चीजें? तो इन चीजों को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां यहां आपको कस्टम शॉर्ट में जाना होगा। कस्टम शॉर्ट में जाने के बाद आपको यहां जिसके अकॉर्डिंग करना है, तो पहला डेट के अकॉर्डिंग करना है, फिर एड लेबल, फिर इसके नीचे मैं क्या चाहिए, मुझे मुझे चाहिए कस्ट कोड। हमने कस्ट कोड को सेलेक्ट किया, अगेन एड लेबल, और मुझे इसके नीचे चाहिए टीपी लेआउट, तो हमने डीपीएल के अकॉर्डिंग इसके टीपी लेआउट के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, देन ओके एंड एंड ओके। राइट सर? मैम समझ में आया आपको चाहिए? नहीं ठीक, नहीं समझ में आया आपको ये? नहीं, आगे आगे। ओके, तो शॉर्ट के लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? और जैसे मान लीजिए मुझे मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, हमने कस्टम शॉर्ट पे गए और हमने इस सबको डिलीट कर दिया, हम सिर्फ मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मंथ हमारा ए टू जे या जेड टू में होगा, तो पहले अप्रैल आएगा, अप्रैल के नीचे देखेंगे तो अगस्त आएगा, अगस्त के नीचे दिसंबर आए, मतलब कि आपके कैलेंडर के हिसाब से नहीं आया। आप चाहते हैं कि शॉर्टिंग जब हो तो डेटा मेरे कैलेंडर के हिसाब से आए, तो उसके लिए आपको शॉर्ट करते समय कस्टम लिस्ट लेना होगा। यहाँ ए टू जेड में आप आइए, कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट में आप आए और कस्टम लिस्ट में आप अपना जैन फैब मार्च जो भी है उसको सिलेक्ट करें एंड ओके। उसके बाद ओके करीजिए यहां पे, तो ये आपका जनवरी पहले आएगा, फरवरी मार्च में आएगा। तो कस्टम लिस्ट का यूज हमने किया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम कस्टम लिस्ट का यूज किसी और चीज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे हमने सी नेम टाइप कर दिया, राइट, और सी नेम हमने यहां पे लिख दिया, तो हमारे पास मेरे कस्टम लिस्ट के अंदर एक नेम का ऑर्डर है, उस ऑर्डर से सर्च करना है मुझे कि जो पहले पूजा आए, फिर मोहन आए, फिर कविता आए, कुछ इस तरह से। तो उस केस में भी हम जाएंगे कस्टम शॉर्ट में, और यहाँ कस्टम शॉर्ट में हमने सी नेम को लिया, और यहाँ पे हमने कस्टम लिस्ट में अपनी लिस्ट जो है सेलेक्ट कर ली। अगर लिस्ट, ये तो मेरे पास बनी बनाई लिस्ट है, आपके पास अगर लिस्ट बनी बनाई नहीं है तो न्यू लिस्ट पे जाके लिस्ट बना सकते हैं। ओके, और फिर उसी हिसाब से आपका डेटा शॉर्ट होगा। अच्छा, ये लिस्ट को मतलब एक मिनट, आप वहाँ पे जाएंगे कस्टम लिस्ट में, नाम हाँ
हमने यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर कस्टम लिस्ट, यहाँ कस्टम लिस्ट। हाँ, तो ये कस्टम लिस्ट हमको यहाँ पे आके, मतलब अगर मतलब जिस ऑर्डर में जाते हैं यहाँ पे आके हमको जी लिखना पड़ेगा, जी राइट? हाँ जी हाँ ठीक और हम है, उसको ऐड और डिलीट, हाँ वो भी कर सकते कर हैं, सकते एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ओके। तो ये देखिए पूजा पहले आया, अजीत पहले से पहले, पहले मैंने शॉर्टिंग ए टू जेड किया था, तो अजीत पहले आया था, अभी पूजा आया। अब शॉर्टिंग में बात करते हैं सॉर्ट बाय कलर। जैसे क्या है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ कलर हमने कर रखे हैं, मुझे सारे कलर को एक जगह पे टॉप पे लाना है या बॉटम पे लाना है, सारे कलर को टॉप पे लाना है या बॉटम पे लाना है, तो उसके लिए हम कस्टम शॉर्ट में, अब यहाँ पे हमने एस ओ नेम को सिलेक्ट किया क्योंकि कलर हमारा सी कॉलम में है, तो यहाँ जो सेल वैल्यू दिख रहे हैं इस सेल वैल्यू के जगह पे हम सेल कलर या फॉन्ट कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेल कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ यहाँ दिख रहा होगा नो सेल कलर, इसके जगह पे जो भी कलर, इसकी इस कॉलन में, सी कॉलन में जितने भी आपके कलर्स होंगे वो सारे कलर्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमने इसको ही सिलेक्ट किया, देन ओके कर दिया, राइट? जिसको हमने ओके किया तो आप देखें यहाँ पे कि सारे कलर इकट्ठा हो गया। उसी तरह से आप चाहते हैं कि जो आइकन्स आपने लगाए हुए हैं कंडीशन मीटिंग में, हमने जो यहाँ आइकन सेट से जो आइकन लगाया था उस आइकन के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, तो मैं यहाँ शॉर्ट पे जाऊँगा, कस्टम शॉर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे डीपीएल को सिलेक्ट करूँगा, कलर के जगह पे यहाँ हम कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन, और मैं चाहता हूँ कि टॉपर आइकन सबसे ऊपर आए, ओके किया ये सबसे ऊपर आया, राइट सर? जमा जी समझ में आया आपको, ये जो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चलिए अब इसमें जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है कुछ ट्रिक्स, तो चलिए इस ट्रिक्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे हर डेटा के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, हर डेटा के बाद, राइट? ब्लैंक कॉलम नहीं, मैं फिलहाल पे ब्लैंक रो की बात करता हूँ, इस तरह से हर एक रो के बाद इस तरह से हमें ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, तो शॉर्टिंग में कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ हम सीरियल नंबर देते हैं, राइट? और यहाँ पे फिलहाल इसको छोटे डेटा में मैं बताऊँगा तो जल्दी इफेक्ट समझ में आएगा, छोटे डेटा पे, तो मैं इसको कॉपी करके एक नई सीट पे ले जाते हैं, पेस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर हमने लिख दिया और नीचे से ब्रैक कर दिया, और हम इसी सीरियल नंबर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते, मतलब कि रिपीट कर देते हैं। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या कि जब हम सॉर्ट करेंगे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों वन जो है इकट्ठा यहां पे आ जाएगा, ये वन अकेले नहीं है, सिर्फ वन नहीं आएगा, पूरा का पूरा रो आएगा ना, एक ये तो रो ब्लैंक है, तो एक डेटा एक ब्लैंक हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए हमने कस्टम शॉर्ट और यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया सीरियल नंबर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू जो करना चाहते कर ले, तो एक डेटा एक ब्लैंक, एक डेटा एक ब्लैंक, एक डेटा एक ब्लैंक। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक्स को कैसे डिलीट करें, मैं डेटा में इस तरह के ब्लैंक आया है, मुझे इस ब्लैंक को रिमूव करना है, तो बहुत सारे लोग इसको फिल्टर करके फिर इसकी डिलीट शिलीट करते हैं, तो मैं ऐसा करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप क्या करें, आप डेटा को पहले मैनुअली सिलेक्ट कर लें, यहां सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, तो पहले डेटा को मैन्युअली सेलेक्ट कर लें और आप चले जाएं शॉर्ट में, और यहाँ किसी एक के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग या किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लें, तो शॉर्ट करने से क्या होगा कि आपका ब्लैंक डिलीट नहीं होगा, वो सारा नीचे आ जाएगा, इससे क्या होगा कि फिल्टर करके जो डेटा डिलीट कर रो डिलीट करेंगे तो पीछे का डेटा डिलीट होने के जो चांसेज होते हैं वो कम होंगे,
डिलीट नहीं होगा और आपका फास्ट भी होगा। जब डेटा लाखों में होगा, 5 लाख 6-6 लाख का डेटा होगा, तो उस समय शॉर्टिंग करते समय डेटा आपका हैंग भी नहीं होगा। अब शॉर्ट हमने लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम तक कर लिया, मुझे लेफ्ट टू राइट करना है। जैसे मेरे पास कुछ नेम है और कुछ फिगर है, तो यहाँ पे हम कुछ नेम जो है यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद इस पर हम फिगर लिख देते हैं। मुझे मान लीजिए जो शॉर्ट करना है वो लेफ्ट टू राइट, मैं टॉप बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, टेप मुझे लेफ्ट टू राइट दाएं से बाएं की तरफ शॉर्ट करना है। तो आपको शॉर्ट में जब आप जाते हैं कस्टम शॉर्ट में, तो यही ऑप्शंस के अंदर में आपको मिलता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको रो बताना पड़ेगा कि किस रो के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं, तब रो टू जो हमारी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक गलती किया है, गलती क्या किया है कि जो नेम को भी सिलेक्ट कर लिया, मतलब हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लिया, अभी क्या होगा ये हेडिंग को भी मूव कर देगा कुछ इस तरह से। तो टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करते समय इसका ध्यान रखेंगे। अब लेफ्ट टू राइट हमने शॉर्ट करना सीख लिया, क्या हम हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक जो है सीरियल नंबर डाल दीजिए, जैसे हमने रो में डाला था। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और यहां पे और इसको कॉपी करके जस्ट इसके बगल में हम एक ब्लैंक रो के लिए डाल देते हैं। अब यहाँ पे मान लो कुछ हेडिंग डालना है, जैसे मान लीजिए मुझे परसेंटेज का हेडिंग डालना है, तो हेडिंग भी डाल दीजिए आप। और फिर आप क्या करें, आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करें और शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं और यहाँ हम ऑप्शन में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट एंड रो वन के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर दिया, बाद में इसको अनचेक कर दिया। इस तरह से रो वाइज कॉलम वाइज हम कर सकते हैं अलग अलग, राइट? यस। तो ये शॉर्टिंग समझ में आ गई आपको? यस। शॉर्टिंग के बाद अगले टॉपिक चलते हैं पिवट के, फिल्टर के तरफ। तो मुझे नहीं लगता फिल्टर में कोई खास पढ़ने के लिए है, फिर भी एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। फिल्टर बेसिकली तीन तरह के होते हैं, डेट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर एंड नंबर फिल्टर। ये फिल्टर डिपेंड करता है कि उस कॉलम में क्या टाइप किया हुआ है। तो अगर इसमें मान लीजिए कि टाइप यहाँ पे डेट है, तो ये आपका डेट फिल्टर कहलाएगा। देखिए डेट फिल्टर पे जैसे ही कर्सर रखेंगे, यहाँ ईयर वाइज डेट आपका आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप डेट फिल्टर में कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, इक्वल कोई पर्टिकुलर डेट को करना चाहते हैं, बिफोर आफ्टर उससे पहले उसके बाद उसके बीच में। अब ये जो नीचे दिख रहा है ये सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, ऐसे में टुमोरो पे क्लिक किया तो ये कल के डेट को हाईलाइट कर देगा, टुडे पे किया तो आज की डेट के, यस्टरडे कल की डेट, लास्ट वीक दिस वीक, नेक्स्ट मंथ दिस मंथ, लास्ट मंथ नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर। तो ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड है और आपको फिल्टर कर देगा। जैसे मान लीजिए जनवरी हमने सेलेक्ट किया, तो ये 2 साल का डेटा है, दोनों साल का जनवरी सेलेक्ट हो जाएगा। तो डेट फिल्टर के ऊपर इसका यूज करते हैं। अगर हम टेक्स्ट फिल्टर की बात करें, तो यहाँ से तो पर्टिकुलर नाम को सिलेक्ट कर ही सकते हैं, अदरवाइज यहाँ टेक्स्ट फिल्टर है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू, इसके अलावा बिगेन विथ, जैसे आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में किया था कि अगर कोई नाम कोई पर्टिकुलर नाम से स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है या उसके बीच में कहीं भी है, तो आप ये तीनों का यूज कर सकते हैं। कंटेन
इसके बाद डज नॉट कंटेन, इसके अलावा कस्टम में अगर आप दो तीन कलर दो तीन कंडीशन लेना चाहते हैं तो दो तीन कंडीशन लेना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर में कलर भी है, मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें कोई कलर फिल्टर करना है, जब शॉर्ट में कलर किया था ऐसे आप यहां फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं। ऐसे आपका आता है नेम फील्ड, डेट फील्ड, नंबर फिल्टर। नंबर फील्ड में पर्टिकुलर नंबर या फिर यहाँ पे नंबर फिल्टर में इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप टेन, यहाँ आप टॉप टेन को फिल्टर कर सकते हैं, टॉप टेन। इसी तरह से आपको यहाँ पे बॉटम टेन भी है, अबव एवरेज भी है और बिलो एवरेज भी है। और मोर देन वन कंडीशन है तो कस्टम फिल्टर में जाके आप अपनी मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं एंड और डाल के इसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है जमुना जी, फिल्टर समझ में आ गया आपको? यस। तो दिक्कत तो नहीं फिल्टर में? नहीं नहीं। चलिए फिल्टर के बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक में, पिवट टेबल। पिवट टेबल का यूज क्यों होता है समझ जाइए। देखिए डेटा को समराइज करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो रिपोर्ट का यूज जो होता है